17,000 का स्तर बाजार ने तोड़ दिया है। सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि क्या बाजार में ये कमजोरी और गहराएगी। SVB बैंक का जो संकट था, अमेरिका के रेगुलेटर आ गए हैं आगे उसको संभालने के लिए। बैंक तो बैंकक्रप्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के हितों के प्रोटेक्शन की अब कोशिश वहां पर हो रही है, लेकिन उसका असर क्या अभी और दिखेगा? क्या भारतीय बाजारों में जो घबराहट है, क्या ये ओवर रिएक्शन है, या फिर अब हम अपने बॉटम के आसपास हैं, यहां से हम रिकवरी की उम्मीद करें? बड़े एक्सपर्ट का व्यू लेते हैं। KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र सर, 17,000 तो आज टूट गया, और हालांकि हम उम्मीद आज सुबह ये करके चल रहे थे कि शायद आज संभलते हुए दिखेंगे, लेकिन कोई ऐसे संकेत नहीं आ रहे हैं, और हम बैंकिंग स्टॉक्स में यहां पर भी पैनिक देख रहे हैं, खासतौर से सरकारी बैंकों में। आपको क्या लगता है कि अब बिकवाली थम जाएगी, या फिर अभी थोड़ी सी ये मुश्किल लंबी खींच सकती है? तो एक तरफ आपके जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके कारण ये बीच वाली का प्रेशर बना हुआ है, और उनका पैसा विड्रॉ करने का मेन रीजन ये है कि उन्हें डेट फंड के अंदर जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़े है उसके अंदर वो फंड वहाँ पे या दूसरे इक्विटी दूसरे एसेट क्लास में से दे आर ट्रांसफरिंग मनी टू द डेट एसेट क्लास, तो उसके हिसाब से उनका सेविंग बना हुआ है, बरकरार है, और जो भी वो सेल करते हैं तभी उनके पास लार्जली इन्वेस्टमेंट रहता है वो फ्रंटलाइन स्टॉक में रहता है, जैसे कि रिलायंस है, बैंकिंग स्टॉक्स है कि जिनका निफ्टी के अंदर वेटेज ही करीबन 35-40% है, वो टाइप के स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में रहते हैं, तो उनको पर फोर्स पैसा जब भी निकालना होता है तभी ये सब स्टॉक्स को बेचना पड़ता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे मार्केट के अंदर करंटली ये प्रेशर बना हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि फंडामेंटली कोई ज्यादा वीकनेस है हमारे वहाँ कंपनियों के अंदर। हाँ, एक बात जरूर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो शार्पली बढ़ाए हैं, आज अभी हमने देखा कि SBI ने प्राइम लेंडिंग रेट भी बढ़ा दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक विद हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इट विल सर्टनली पुट व्हाट यू कॉल द ब्रेक ऑन कॉर्पोरेट एक्सपेंशन, क्योंकि इतने बड़ी कॉस्ट में पैसा शायद देने के लिए कॉर्पोरेट सामने नहीं भी आ गए। मेरे ये एक कारण है जिसके हिसाब से मार्केट थोड़ा नर्वस है, जिसके हिसाब से हमारे वहाँ भी बेचवाली चालू है। होपफुली आई थिंक मार्केट स्टेबिलिटी आने की शुरुआत हो सकती है, प्रोवाइडेड वे स्टार्ट गिविंग द डायरेक्शन ऑन द रेट इंक्रीज लिटल बिट मोर। करंटली दैट डायरेक्शन इज मिसिंग।